आज दो विषयों पर मैं अपना वक्तव्य दूंगा। पहला, एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो बॉम्बे में, जिसका हेडक्वार्टर है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसके जो हालात हैं उस पर अपनी बात कहेंगे। और दूसरा, जो प्याज जो थाली से बाहर होता जा रहा है और क्यों होता जा रहा है और उसके क्या लक्षण आ रहे हैं और कौन उसकी मार्जिन्स कमा रहा है, उसके बारे में भी एक अच्छा रिसर्च आपको दूंगा। पहली बात पीएमसी से चालू करेंगे, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। मोदी 2.0 में डीमो 2.0 आया है। आपको याद होगा 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी, महिलाएं, छोटे छोटे युवक रोते चिल्लाते थे, किसी को अपनी कॉलेज की फीस भरनी होती थी, किसी को अपने घर के अंदर कोई रिपेयरिंग करानी होती थी, किसी को अपनी किस्त, अगली किस्त कोई सामान लेके आया उसकी देनी होती थी। वो के वो हाल एक कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसका हो चुका है। और मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दूंगा कि ये जान के आपको अचंभा होगा कि ये बैंक का ऐसा हालात हुए क्यों, ऐसे क्या लक्षण थे कि ये बैंक इस हालात में पहुंच गया। ये बैंक हमें याद कराता है, हमने महीना भर पहले, मैंने ही मेरे साथी के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग करी थी जिसमें फ्रॉड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड्स हैं वो किस तरह 41,167 करोड़ से 71,543 करोड़ बढ़े, मैंने बात की थी एक साल में। और अगर सिर्फ इस वर्ष की अप्रैल से लेके जुलाई तक की गणना की जाए तो 32,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग क्षेत्र में फ्रॉड्स घोषित हो चुके हैं। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। और इस बैंक में 23 सितंबर तक सब कुछ ठीक था, इस बैंक में ऐसे कोई भी लक्षण नहीं थे, ऐसे कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स रिजर्व बैंक ने नहीं दिए जिससे ये लगे कि इस बैंक में कुछ खराबी है। और 23 सितंबर को अचानक ये बता दिया जाता है कि अगले 6 महीने में एक डिपॉजिटर इस बैंक से अपना मात्र 1,000 रुपया निकाल सकता है। उसको 2 दिन में पता नहीं कौन सी गणित लगाई, कौन सी गणना हुई, 2 दिन बाद बोले 1,000 नहीं, चलो 10,000 दिया। अरे हमारे ही पैसे, लोगों के खुद के जमा पैसे, पहले बोले 6 महीने में 1,000 निकाल सकते हो, 25 तारीख को बोले 6 महीने में 10,000 रुपये निकाल सकते हो। आपको याद होगा नोटबंदी से कंपेयर कीजिए आइटम बाय आइटम, वहां पे भी पहले बोले आज ये पहले 4,000 निकाल सकते हो, फिर बोले थोड़ी लिमिट बढ़ा देते हैं, वो के वो मॉडस ऑपरेंडी चल रही है। अब आज एक व्यक्ति जिसका पैसा उस बैंक में है, और कितने व्यक्ति हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, वो अगले 6 महीने में मात्र 10,000 रुपये, अगर उसने 1,000 रुपये निकाल लिया तो 9,000 रुपये, अगर आज 4,000 निकाल लिए तो अगले 6 महीने में 6,000 रुपये निकाल सकता है। इसमें मेरा क्या गुनाह कि मैं मेरा पैसा अगर पीएमसी बैंक के खाते में रखता हूं तो मेरा क्या गुनाह कि मैं मेरा पैसा नहीं ले सकता, और क्यों नहीं ले सकता, कौन रोक रहा है अपना पैसा लेने से? सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने घोषणाएं कर रही, सर्कुलर्स लेके आ रही है। और ये एक बैंक का नहीं होगा, याद रखिए आप, इस बैंक के अंदर दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, अगर आप उनका पैसा नहीं दोगे तो उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट दूसरे बैंकों में पड़ेगा, दूसरे छोटे कोऑपरेटिव बैंक में पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज ए कंप्लीट सिस्टेमिक फेलियर ऑफ बाय ए रेगुलेटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली चीज। एंड ये रेस्ट्रिक्टेड कोऑपरेटिव बैंक में नहीं होगा, इसकी हीट दूसरे बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स में इसकी हीट आना लाजमी है। अब वाई, मेरा सवाल है रिजर्व बैंक से, और रिजर्व बैंक नहीं देना चाहे तो आज शाम को निर्मला सीतारमन जी मैडम की प्रेस वार्ता है, वो इसके बारे में जवाब भी दे सकती है
क्योंकि वो हर शाम सायंकालीन प्रेस वार्ता मैडम करती है, एक प्रेस वार्ता पीएमसी में भी कर ले मैडम और बता दे कि पीएमसी में क्या हुआ और क्यों हुआ और कौन लोग है उसके जिम्मेवार, उनकी लिस्ट भी आपको लेके आया हूं, आपको बताऊंगा कि कौन लोग है जो जिम्मेवार है, कौन लोग है जो 13-13 सालों से उस बैंक के डायरेक्टर के पद पर आसीन है। सो इट इज नॉट ए वन बैंक, इट इज गोइंग टू हैव ए कैस्केडिंग इम्पैक्ट। इट इज नॉट कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर ओनली, इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये कोई स्टैंड अलोन बेसिस का प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके आपको की स्टैटिस्टिक्स थोड़ा देता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक्स भी रिजर्व बैंक के अधीन काम करते हैं, उनके गाइडलाइंस के अधीन काम करते हैं, और 31 मार्च 2019 को इस बैंक ने 100 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट घोषित किया। 100 करोड़ रुपया एक बैंक का शुद्ध मुनाफा है। इस बैंक के बैलेंस शीट को मैंने जब देखा 31 मार्च 2019 की, तो 615 करोड़ रुपया इस बैंक का रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में पड़ा है। फिर भी रिजर्व बैंक कहती नहीं, 10,000 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दूंगी। इस बैंक की जब हमने बैलेंस शीट देखी तो ये 615 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक के पास पड़ा है, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो इंगित रोज आ रही है तरह तरह के सोर्सेस से इसके बारे में बताया जा रहा है, तो रिजर्व बैंक के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या कर रहे थे? रिजर्व बैंक के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिससे वो पता लगाते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आगे प्रॉब्लम में जा सकते हैं। वो क्या काम नहीं कर रहे थे या उनकी अनदेखी की जा रही थी? वित्त मंत्री जी शाम को आज शायद बता दे तो देश की जनता को उनके जवाब मिल जाएंगे। फिर इस बैंक ने 2018-19 में ग्रोथ का आपको पोटेंशियल बताता हूं, 16.88% डिपॉजिट बढ़े एक साल में 18-19 में, और 12.8% से ग्रोथ से इन्होंने लोन दिए 18-19 के। और इस बैंक का जो एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, जिससे बैंक की हेल्थ के ऊपर कोई भी व्यक्ति कमेंट कर सकता है, वो 12.62% है। रिजर्व बैंक की जो लिमिट है उससे काफी ज्यादा है। अब इन सब चीजों के मद्देनजर 11,000 करोड़ रुपया लोगों का डिपॉजिट है इस बैंक के अंदर आज की तारीख में, 11,000 करोड़ रुपया। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत बड़े साधन होते हैं। इसके अंदर कौन ज्यादातर लोन लेता है? एक एसएमई, एक एमएसएमई, एक छोटा व्यापारी, एक छोटा व्यक्ति, जिसको छोटे छोटे ऋण होते हैं और छोटे छोटे ऋण का वो वहां पे पैसा देते हैं, लेते हैं, और छोटे छोटे डिपॉजिट्स इस बैंक में रखते हैं। अब एनपीए पोजीशन इस बैंक की आपको बताता हूं। इस बैंक का एनपीए भी ज्यादा नहीं है, जो डाटा है वो बता रहा हूं, वास्तव में क्या है ये रिजर्व बैंक जानती होगी। इस बैंक का एनपीए 3.7% है ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए है 2.1%, जो कि बैंकिंग सेक्टर के एवरेज से कम है इस बैंक का नेट एनपीए। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों और क्यों हुआ? इस बैंक के अंदर एक डायरेक्टर साहब हैं पिछले 13 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी के 4 दफा से जो मुलुंद से विधायक है उनके सुपुत्र हैं। उनका शुभ नाम है सरदार रंजीत सिंह जी के पुत्र सरदार तारा सिंह जी के पुत्र सरदार रंजीत सिंह जी इस बैंक के अंदर डायरेक्टर है, और बार बार वो चुन के आ रहे हैं। एक और न्यूज इस बैंक के बारे में आपको बताता हूं। एक ग्रुप है HDIL, जो कि एनपीए घोषित हो गया था 2,500 करोड़ का एनपीए, उसकी घोषणा के बावजूद इस बैंक ने उस ग्रुप को 96 करोड़ का पर्सनल लोन दिया। ये छन छन के खबरें बाहर आ रही है, आप रुक जाइए, 4-5 दिन में पूरा चिट्ठा आएगा सारे कौन कौन लोग थे। आरबीआई ने क्यों नहीं इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी? क्यों नहीं आरबीआई ने इस बैंक को रोका अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कि एनपीए होने के बावजूद आपने इस ग्रुप को क्यों पर्सनल लोन दिया? रिजर्व बैंक क्यों साइलेंट था?
ऐसी क्या बाध्यता थी भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर कि इस बैंक को उसने कंटिन्यू रखा। आरबीआई पहले तो बोला 1000 करोड़, फिर बोल 1000 रुपया फॉर 6 मंथ, देन आरबीआई मेंशन 10,000 रुपीज फॉर 6 मंथ। ऐसी क्या गणना कर रहे हैं जिससे वो बढ़ती जा रही है, और ऐसा क्या उनके पास स्रोत है, और 10,000 क्यों, 20,000 क्यों नहीं, 25,000 क्यों नहीं? मैं मेरा पैसा एक बैंक में रखता हूं वो भी नहीं निकाल सकता। इन सब चीजों के मद्देनजर हमारी ये मांग है कि ये विड्रॉल लिमिट है इसको खत्म किया जाए। एक व्यक्ति का अधिकार है कि अगर वो अपनी जमा पूंजी किसी बैंक में रखता है तो वो उसको वापस ले सके। हम ये चाहते हैं स्पेशल और इमरजेंसी केसेस में एक व्यक्ति को अपनी पूर्ण जमा जो डिपॉजिट के रूप में बाहर निकालने का अधिकार मिले। हाउसिंग सोसाइटीज का, और एक बहुत रोचक जानकारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर्स की जो सोसाइटी है उसका भी एफडी इसी बैंक में, आरबीआई के एम्प्लॉयज की जो सोसाइटी है वो अपनी एफडी इस बैंक में रखे हुए हैं। तो उनको उनको हाउसिंग सोसाइटीज को जो इस बैंक में अपना पैसा लगा रह चुके हैं उनको अपना पैसा बाहर निकालने की अनुमति दी जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये कभी भी एंटीगुआ, कभी भी लंदन निकल सकते हैं। उनको रोका जाए, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए और उनसे पूछा जाए कि ये ऐसे हालात पे क्यों पहुंचे। रिजर्व बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटर तो रख दिया है, अपना एडमिनिस्ट्रेटर तो रख दिया इस बैंक में, पर रिजर्व बैंक इस बैंक की पूरी जानकारी लेके सरकार को दें और सरकार भारत की जनता को बताएं कि इस बैंक में आखिर हुआ क्या था, कौन कौन दोषी थे, एनपीए होने के बावजूद भी फर्मों को क्यों पर्सनल लोन दिया गया था, क्यों छोटे लोगों की जमा पूंजी जो इस बैंक के अंदर थी उसको निकालने के लिए क्यों स्टॉप किया गया। ये हमारी इस संदर्भ में मांग। दूसरी इशू जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था आप सब लोगों के साथ वो है प्याज की कीमतें। आपको याद होगा, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व को हमेशा भुलाने की कोशिश करता है, पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण, जब प्याज की कीमत में 5-10 रुपए भी उछाल आ जाता था तो प्रधानमंत्री जी को कितना गुस्सा आता था। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, शायद आते ही इस पे कार्रवाई करेंगे, और कल आ रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे और अपना वक्तव्य देंगे कि कौन कौन सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। पर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से ये आंकड़ा निकाला है, और पूरे देश का एवरेज प्याज की कीमत होलसेल मार्केट में एज पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 31 रुपया है। दिस इज होलसेल प्राइस, ये वो प्राइस नहीं है जो किसान को मिल रही है, किसान को तो अभी भी 1-2 रुपए से ही ले रहे हैं, ये होलसेल प्राइस है। अगर मुझे 50 किलो 100 किलो प्याज खरीदना है, एवरेज प्राइस ऑफ इंडिया इज 31.48 एज पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स डेटा। और प्याज का अगर मैं अगस्त 2019 का उत्पादन अगस्त 2018 से कंपेयर करूं तो 20.7% का डिप है, 20 पॉइंट, क्योंकि बहुत बोला गया था अब दालों की कीमतों से परेशानी हट गई, इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इन्फ्लेशन हमने ये कर दिया ये। और एक मैंने टेबल बनाई है, वो टेबल आपको हमारे सहयोगी आपको मेल भी करेंगे, उसमें मैंने पटना, मुंबई, चंडीगढ़, रांची, बेंगलोर और दिल्ली की होलसेल प्राइस और आज की रिटेल प्राइस का डाटा कलेक्ट किया है, और आपको आश्चर्यचकित कर देगी ये टेबल। होलसेल प्राइस पटना की आज 34.5 रुपया है एज पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डाटा, और आज के पटना के भाव मंडी से 70 रुपया प्रति किलो है, मतलब मार्जिन कितनी हुई, 35.5 रुपया प्रति किलो। मुंबई में होलसेल प्राइस है 31.97 रुपया प्रति किलो, रिटेल प्राइस है 55 रुपया प्रति किलो, मतलब 23 रुपया मार्जिन, कौन कमा रहा है मार्जिन उस पर भी बात करेंगे। चंडीगढ़ में होलसेल प्राइस है 25 रुपया प्रति किलो और आज का भाव है 75 रुपया प्रति किलो, रिटेल का मार्जिन हुआ 50 रुपये प्रति किलो।
रांची में 34 रुपया प्रति किलो होलसेल प्राइस है और रिटेल प्राइस आज का 80 रुपये प्रति किलो है, 45 रुपया प्रति किलो की मार्जिन है। बंगलूर में होलसेल प्राइस है 26 रुपया प्रति किलो और आज का भाव है 70 रुपये, मार्जिन हुआ 43 रुपये। दिल्ली में होलसेल प्राइस है 29 रुपया और आज का भाव है 80 रुपया, मार्जिन हुआ 50 रुपया प्रति किलो। प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, आपको और मेरे को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, और दुख की बात यह है ये ज़्यादा पैसा किसान की झोली में भी नहीं जा रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मार्जिन्स बिचौलिए ले रहे हैं। होलसेल प्राइस मैंने 31 रुपया देश की बताई आपको एवरेज, और होलसेल प्राइस से भी किसान से नहीं खरीदा जाता है, किसान से तो उससे 5 या 10% की प्राइस पे खरीदा जाता है, उसके बावजूद मैंने होलसेल भी मान लिया, तो ये मार्जिन्स कौन कमा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तो हम इस आंकड़े के आधार पर, और ये आंकड़ा मैंने कलेक्ट किया, हर जो होलसेल प्राइस है वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डाटा है, और रिटेल प्राइस हमने हर मंडी से कलेक्ट करवाया है। सो अबव डाटा रिफ्लेक्ट्स दैट ये जो हाइक जो है ओनियन प्राइस में, ये ना तो किसान को इससे फ़ायदा हो रहा है, ना कॉमन मैन को इससे फ़ायदा हो रहा है, ओनली मिडल मैन्स आर अर्निंग द हाई मार्जिन्स। सो इन लियो ऑफ दिस टेबल, माननीय वित्त मंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैडम, इस टेबल के आधार पर मेरी आपसे गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजारिश है, भारत की जनता की ओर से गुजारिश है कि ये जो बिचौलिए 50-50 रुपये प्रति किलो प्याज पे कमा रहे हैं, और प्याज जो एक साधारण व्यक्ति की जो थाली से गायब हो चुका है, उसके बारे में आप इंश्योर करें कि ये मार्जिन बुकिंग बंद हो, और जो होलसेल प्राइस पे रेगुलेट करके आप प्याज को एक जनता की जो एक 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 साधारण भारतीय का जो भोजन है वो वापस मुहैया कराए। तो ये हमारी दो इश्यूज पे, तो प्रधानमंत्री का वीडियो है वो दिखा सकते हैं। हाँ, अगर एक आप लोगों के लिए एक वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, आपकी भी यादें ताजा हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉकर पीएमसी में मत खुलवाना, नहीं तो प्याज भी अंदर ही रह जाएंगे, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो ये जो लॉकर खुलवाने की बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, कल आके जरूर इस पर अपना वक्तव्य देंगे और बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जिसके कारण 50 रुपये प्रति किलो की मार्जिन दिल्ली के मिडलमैन कमा रहे हैं, और क्यों कमा रहे हैं, और किसकी शय पे कमा रहे हैं, प्याज का प्रोडक्शन कैसे कम हुआ और क्यों कम हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल इसके बारे में बता दें, और माननीय वित्त मंत्री जी जो कि प्रेस वार्ता निरंतर करती रहती हैं, आ एक प्रेस वार्ता पीएमसी पे भी हो जाए पूरी, ताकि जो ये संकट है ना, और ये संकट एक बैंक का नहीं है, पूरी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का संकट है, वो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो संकट है उसका निदान हो जाए, और कौन दोषी है, ये डायरेक्टर्स जो लोग हैं वो कहाँ, उनके ऊपर एफआईआर कब रजिस्टर होगी और कौन से थाने में होगी, भारत की जनता को बता दें। क्योंकि ऐसे आप किसी का बैंक का पैसा लेके और एनपीएस को लोन देके आप यहाँ से चले जाओ, और छोटे लोग जो 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया अपने साल भर की सेविंग से बचा बचा के बैंकों में जमा कराते हैं, उनको कुछ निदान मिल जाए।